आप देख रहे हैं 15 फ्रीडम शेयर्स। अब तक हमने आपको बताए हैं करीब करीब 8 शेयर, यानी कि चोगा की तरफ से 4 शेयर आपको बताए जा चुके हैं। संजीव ने भी आपको 2 शेयर बताए हैं और राजेश ने भी आपको 2 शेयर बताए हैं जहां पर आप दाव लगा सकते हैं। तीनों जानकार वहाँ मौजूद हैं। चोगा पहले आप ही से ही जाना चाहेंगे, कुछ और 2 शेयर जो आप पिक करना चाहेंगे जहाँ आपको लगता है कि अच्छे पोटेंशियल अपसाइड है, अच्छे फंडामेंटल है। नॉट ओनली यू नो अपसाइड पोटेंशियल एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी आई वुड लाइक टू सजेस्ट 2 स्टॉक्स अगेन, वन मिड कैप एंड वन लार्ज कैप। इन द मिड कैप एम्फसिस लिमिटेड रिसेंटली दिस हैज बीन टेकन ओवर बाय अ प्राइवेट इक्विटी फंड। यू नो वेरी इंटरेस्टिंगली द प्राइवेट इक्विटी फंड ऑलवेज इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग मोर यू नो मनी फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट्स अनलाइक द प्रोमोटर्स। नाउ आफ्टर दे अक्वायर्ड यू नो दे आर क्वाइट अग्रेसिव इन द प्रोडक्ट बिजनेस इन द US। And secondly, the company has got a lot of cash. The cash is 140 rupees per share. Now, having invested around $1 billion to acquire this company, there is a possibility of private equity fund taking the money back through special dividend. Third, in June quarter, it has come out with a very impressive result, 38% growth in the profit. And as I mentioned earlier, strong balance sheet. In terms of valuation also, 1 year forward PE is only around 12-13. So this stock, I believe, can give a good return with a lot of safety. In the large cap, I would like to recommend MRF Limited. It is a 15,000 crore branded tire company and the balance sheet is very strong. Net of cash, it is a zero debt company. And despite being a leader with 15,000 crore of sales, the stock is trading only around 9 PE on current year earning. And the company in the last 20 years has spent nearly 16,000 crore on advertisements. You know, if you see the brand equity, that itself is half of the current market cap. And the government is likely to impose anti-dumping duty on tire because we are seeing a lot of tire being imported from China. And you know, as and when that announcement comes, if at all it comes, then it can give a huge upturn in the short term itself. Otherwise, in the long term, in 3 years, I have a target of around 65,000 rupees for the stock. So these are the 2 stocks which I would recommend strongly. जी इसके अलावा संजीव, क्योंकि एग्री और मॉनसून ये दूसरा एक अहम ट्रिगर है जो कि बाजार में प्ले कर रहा है, कोई इस स्पेस से भी आपने शेयर चुने हैं? हाँ, पहला हमारा थर्ड पिक होएगा रैलीज इंडिया। जैसे आपने सजेस्ट किया, 2 साल से मॉनसून था नहीं और खराब वेदर की वजह से दिस कंपनी हैज बीन एबल टू नॉट बीन एबल टू परफॉर्म। और अभी इस क्वार्टर में जबकि मॉनसून का पूरा इम्पैक्ट भी नहीं आया, बहुत स्ट्रांग नंबर्स आए हैं जहाँ मार्जिन हैव यू नो एक्सीडेड द अपसाइड क्वांटिटी। तो हमें लगता है ये मॉनसून के ऊपर इन द एग्रोकेमिकल स्पेस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्ले। ऑलमोस्ट 22% इट हैज़ अ मार्केट शेयर इन द पेस्टिसाइड मार्केट एंड पेडिग्री नेम फ्रॉम द हाउस ऑफ टाटा। तो रैलीज इंडिया यहाँ 210-15 में आपको मिलता है, लीजिए। 275 रुपये का इसका आपको 1 साल में टारगेट मिलना चाहिए। चौथा पिक है एक स्टॉक कॉल्ड मर्केटर लाइन, वन ऑफ द निच प्लेयर्स इन द शिप बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन द ड्रेजिंग एंड इन द टैंकर मार्केट। अभी रिसेंटली इन्होंने अपना शिपिंग बिजनेस जो एक सब्सिडरी थी सिंगापुर में उसको हाइव ऑफ किया है और उसके बनापन पे इन्होंने अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स जो दिए वो लास्ट ईयर के लॉस के हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट आया है। और अब कंपनी विल बी बिग बेनिफिशरी ऑन द इनलैंड वाटरफेयर जो नितिन गडकरी जी बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, एंड वी थिंक दिस स्टॉक फ्रॉम 40 लेवल्स कैन गो ऑल द वे टू 65 लेवल्स। जी चलिए, तो 2 शेयर और बताए गए हैं जो कि है रैलिस इंडिया और मार्केटर लिमिटेड। साथ ही चोखा की तरफ से आपको MRF और एम्फेसिस 2 शेयर बताए गए हैं। राजेश, आपकी तरफ से कोई एक शेयर जहां पर आपको लगता है कि अभी भी दाव लग सकता है, नंबर्स आए हैं, अच्छी स्टोरी बनी है, कोई शेयर? तीसरा स्टॉक जो हम रिकमेंड करना चाहेंगे वो REC का है। अगर आप देखें तो नवरत्न कंपनी है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में काम करती है, बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट है, वैल्यूएशन के लिहाज से हालांकि अच्छा रन अप हो गया है, बावजूद उसके 4-5 के PE पे ट्रेड कर रही है। कल ही इन्होंने एक पे एक बोनस अनाउंस किया है जो एक एडिट ट्रिगर है स्टॉक में। हमें लगता है लंबी अवधि में ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, कम से कम मौजूदा स्तर से 30-40% की बढ़त तो बिल्कुल हो सकती है। टाइम होराइजन आप 6 से 9 महीने का रखें। चलो, तो एक REC और विकल्प बताया गया जहाँ पे आप दाव लगा सकते हैं, क्योंकि संजीव PSU स्पेस में भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जहाँ पे एक अच्छे अपसाइड हैं, फिर अच्छे पोटेंशियल हैं, अच्छे नंबर्स आए हैं। कुछ अच्छे एग्जांपल SRF जैसी SRF कर हमारे यहाँ पे STC जैसी कंपनियाँ या फिर REC जैसी कंपनियाँ जहाँ पर एक अच्छे नंबर्स आए हैं। कोई और कंपनी जो आप PSU स्पेस से चुनना चाहेंगे? हाँ, 2 नाम है। एक है पहला इंजीनियर्स इंडिया,
वन ऑफ द बेस्ट PSUs एज फार एज नील डेट और इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑन द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की जो एक्सपेंशन है आपने आपको पता ही है HP BP IOC आर नाउ डीपली इन द ग्रीन और कैश जनरेशन है एंड नाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ द हाइड्रोकेमिकल एंड पेट्रोकेमिकल साइकिल और लायंस शेयर ऑफ दैट ऑर्डर इंडिया एज फार एज एग्जीक्यूशन पावर एक्सीलेंस एंड 10% उनका फ्लैट मार्जिन है और ऑलरेडी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है और हमें लगता है आने वाले 2 साल में और स्ट्रांग हो जाएगी. तो एग्जीक्यूशन इन लास्ट 2 क्वार्टर में स्लाइटली वॉज बिलो द मार्केट एस्टिमेट बट हमें लगता है ये यहाँ वाला क्वार्टर आगे वेरी वेरी स्ट्रांग एग्जीक्यूशन. तो ऑर्डर जी चलिए तो आपको जो अगला शेयर बताया गया वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड जहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं. एक अच्छे पोटेंशियल हैं, अच्छी कंपनी है और रिसेंटली नंबर्स भी अच्छे आए थे और अहम चीज़ ये है कि जिस तरह कैपेक्स बढ़ रहा है उस आधार पर भी इस कंपनी को फर्दर ऑर्डर्स मिल सकते हैं. इंजीनियरिंग क्षेत्र की कंपनी है, कई सारे टर्न की प्रोजेक्ट्स पर कंपनी ऑलरेडी कामकाज भी कर रही है. संजीव अगर आप सुन पा रहे तो आपका आखिरी शेयर कौन सा होगा? चले शाह संजीव का संपर्क नहीं हो पा रहा लेकिन हाँ उनका आखिरी शेयर हम आपको बताते हैं. उनका शेयर है NBCC का. एक मजबूत ऑर्डर बुक की कंपनी है, सरकारी क्षेत्र की कंपनी है, नंबर्स अच्छे हैं, कई ऑर्डर मिले हैं. रिसेंटली गोवा में भी कंपनी को एक ऑर्डर मिला है. अच्छे फंडामेंटल है. कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनी है. करीब करीब 32,000 करोड़ रुपये की कंपनी की ऑर्डर बुक है और जिस तरह की कंपनी ने ऑर्डर बिल्डिंग कर रखी है या जिस तरह की कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं चाहे NCR रीजन की बात कर लें फिर कुछ और स्टेट्स की बात कर लें उस आधार पर स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ये बोला जा रहा है कि इस ऑर्डर बुक में मिल सकता है. और कुछ जो जानकार हैं उनका भी मानना है और साथ साथ जो कंपनी है उनका भी मानना है कि शायद गोइंग फॉरवर्ड ऑर्डर बुक करीब 50,000 करोड़ रुपये के पार भी पहुँचते हुए दिखाई पड़े. Tier 1, Tier 2 सिटीज़ में कंपनी का स्ट्रॉन्ग मजबूती है, स्ट्रॉन्ग पैट है और कई बड़े और हाई प्रोफाइल जो ऑर्डर्स हैं कंपनी उसके लिए भी कामकाज करे. तो NBCC जो कि संजीव की तरफ से एक और ऐसा शेयर है. आपको सभी शेयर के करके बताते हैं जहां पर आप दाव लगा सकते हैं. पहले संजीव के सभी 6 शेयर आपको बताते हैं. गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, 450 रुपये का लक्ष्य उन्होंने दिया है, इसमें खरीदारी करके चलने की राय दी जा रही है. सुप्राजीत इंजीनियरिंग एक और ऐसा शेयर है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं. संजीव की राय यहां पर भी खरीदारी की. ऑटो एंड स्पेसी कंपनी है, 250 रुपये टारगेट दिया जा रहा है. रैलिस इंडिया टाटा ग्रुप की कंपनी जहां पर आपको दाम लगाने की राय दी जा रही है, 275 रुपये का टारगेट आप देख सकते हैं. एग्री स्पेस के ऊपर बैठ के उन्होंने. मार्केटर लिमिटेड भी 65 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं, 41 रुपये का मौजूदा स्तर है. इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ये सरकारी स्पेस की कंपनी है जिस पर आप दाम लगा सकते हैं. इंजीनियरिंग स्पेस की कंपनी करीब 275 रुपये का टारगेट रखे. और NBCC आखिरी शेयर है जहां पर 300 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं. चोका के शेयर्स पर भी नजर डाल लेते हैं. उन्होंने शुरुआत की है बालमर लॉरी के साथ, करीब 800 रुपये के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी कर चलने की राय दी है. इस कंपनी के अंदर 150 साल पुरानी कंपनी है, बहुत पोटेंशियल अभी बाकी है इसके अंदर. इंडिगो 960 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं. एविएशन स्पेस की सबसे बेहतर फंडामेंटल वाली कंपनी आप इसे कह सकते हैं. एम्फेसिस 650 रुपये के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं. IT स्पेस की दिग्गज कंपनी के तौर पर MRF लार्ज स्पेस की लार्ज कैप कंपनी है, एक बड़ा पोटेंशियल है और सबसे अहम चीज़ की अच्छी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने मेंटेन की है. लूपिन लार्ज कैप स्पेस की फार्मा कंपनी 1930 रुपये का के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं. और इसके अलावा आंध्रा शुगर में यहाँ पर खरीदारी कर चलने की राय दी गई है संजीव की तरफ से. और उसके अलावा अगर राजेश की 3 कॉल्स के ऊपर नजर डाले तो उन्होंने खरीदारी की शुरुआत की है फोर्स मोटर के साथ जहाँ पर आप दाम लगा सकते हैं. साथ ही साथ CESC और एक जो तीसरी कंपनी उन्होंने चुनी है जहाँ पे एक अच्छे अपसाइड खोलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं उसमें उन्होंने यूटिलिटी स्पेस की कंपनी के ऊपर दाम लगाने की बातचीत की है. उनका मानना है कि यहाँ पर भी पोटेंशियल अपसाइड खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और साथ साथ संजीव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और ये सभी शेयरों में बातचीत करने के लिए और साथ साथ राजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी शेयरों में बातचीत करने